हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो या अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल को और स्ट्रांग बना देंगे ताकि आपकी वीज़ा श्योरिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। उसके अलावा मैं सारा कुछ डिटेल के अंदर आपसे बात करूंगा कि आईएलटीएस एग्जाम की फीस कितनी है, बायोमेट्रिक की फीस कितनी है, पासपोर्ट नहीं बनवाया उसकी कितनी फीस है, सारा कुछ डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे, जिस बंदे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने ये वीडियो कम्प्लीटली देख ली तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो या कोई भी वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं एंड चलते हैं वीडियो के अंदर। तो यार अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है पासपोर्ट बनवाना। पासपोर्ट बनवाने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रोसेस। पासपोर्ट के अंदर आपको दो टाइप्स मिल जाएंगी, एक है 36 पेजेस का जिसकी फीस होगी रेगुलर फीस 1500 और तत्काल के अंदर है 2000, मतलब अगर आपने जल्दी बनवाना है। वही अगर आपको 60 पेजेस वाला चाहिए वो आपको 2000 के अंदर रेगुलर फीस और काल के अंदर भी 2000 है उसकी फीस। दूसरा, जब आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा आप अपना आईएलटीएस एग्जाम बुक कर सकते हो। एज ऑफ नाउ अभी प्रेजेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 जो आईएलटीएस एग्जाम की फीस है दैट इज 16,250 रुपीज बोथ फॉर जनरल एंड अकेडमिक। चाहे आपने कंप्यूटर बेस्ड देना है चाहे आपने पेपर बेस्ड देना है तो दोनों की फीस 16,250 है। अब सिर्फ आईडीपी ऑर्गेनाइज करता है आईएलटीएस के एग्जाम्स। तो आप आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बेसिक डिटेल्स डाल के अपना सेंटर चूज करके लोकेशन एड्रेस सारा कुछ डाल के अपना आईएलटीएस एग्जाम बुक कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट द स्कोर, लेट्स से अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आपका एवरेज स्कोर एटलीस्ट ओवरऑल 6 होना चाहिए, उससे नीचे तो आप बिल्कुल भी मत अप्लाई करना। ओवरऑल आपका 6 होना चाहिए। पहले रूल होता था कि आपको 6 ईच चाहिए, मतलब चारों मॉड्यूल्स रीडिंग लिसनिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग के अंदर आपको 6 ईच चाहिए। लेकिन जो न्यू रूल आया था वो ये कहता है कि आपके ओवरऑल 6 हो तो आप SDS कैटेगरी के अंदर आओगे। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आपके ईच 6 ईच आए, क्योंकि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ करेगी कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप इस नेशन में आ रहे हो पढ़ने के लिए। अब फर्स्टली बात करें तो एवरेज अगर हम देखें डिप्लोमा फॉर स्टूडेंट्स जो 12th क्लास के बाद आ रहे हैं, उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कॉलेजेस के अंदर, तो दैट इज अराउंड 6 ओवरऑल 6 या फिर 6.5 कई कई अच्छे कॉलेजेस के अंदर। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें जैसे पीजी डिप्लोमा या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, उसके अंदर रिक्वायरमेंट है 6.5 ईच मिनिमम, या उससे ज्यादा हो तो भी बेटर है वो। और अगर आप मास्टर्स या डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में आ रहे हो तो आपको ओवरऑल एटलीस्ट 7.5 चाहिए विद नो बैंड लेस देन 7। ये अच्छी यूनिवर्सिटीज के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो उस हिसाब से अपना टारगेट रखना कि मेरे को इतने स्कोर करने हैं, इतने मेरे को बैंड स्कोर चाहिए। पहले से ही अपना पूरा रोड मैप क्रिएट करके रखना कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, ये वाला कोर्स करना है, सारा कुछ। थर्ड जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं आपके एकेडमिक सारी ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट दोनों CBSE से है, ICSE पंजाब बोर्ड जहाँ से भी है, आपको दोनों मार्कशीट्स इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, वो चाहिए होंगी। लेट्स से अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए होगी और अपनी फाइनल डिग्री जो आपको मिलती है यूनिवर्सिटी से। जैसे अपनी बात करूं तो मैं बीसीए करके आया था, मैंने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और मैंने बीसीए करी है, तो उसकी 6 मार्कशीट्स थी पर सेमेस्टर एंड मेरी फाइनल डिग्री, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे। और एक बैकलॉग समरी का भी डॉक्यूमेंट लगा था। अगर आप ग्रेजुएशन के आ रहे हो तो एक बैकलॉग समरी का भी लगता है कि आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं थी, कोई भी आपका एग्जाम पेंडिंग नहीं था या कुछ भी। सर्टिफिकेट है वो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा या जौन से भी कॉलेज में आप उनसे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे को बैकलॉग सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये हो गए एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। अब आपका स्टेप आ जाता है अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करने का। अब ऑफर लेटर और LOA को कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ऑफर लेटर होती है कि आप जौन से भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जा रहे हो उसकी ऑफर आई है आपको, फिर आप फीस भरते हो, उसके बाद आगे प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले आपने ऑफर लेटर अप्लाई करनी है। तो अगर आप कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आ रहे हो तो मिनिमम जो एप्लीकेशन फीस है कॉलेजेस के अंदर यूजली जो एप्लीकेशन फी होती है वो 100 से 150 होती है, जो यूनिवर्सिटीज की होती है दैट इज फ्रॉम 100 to 200। ये जब आपने कर लिया तो ऑफर लेटर का जो मिनिमम टाइम है डिपेंड करता है हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का। कोई कोई कॉलेजेस 2 महीने लेते हैं, कोई कोई कॉलेजेस 1 वीक में भी दे देते हैं, वो डिपेंड करता है। जो आपकी ऑफर लेटर है ना, आपने 100% इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो आपने कोर्स करा है ना, लेट से आपने 12th के अंदर जो भी आपकी स्ट्रीम थी उसके रेलेवेंट ही कोई प्रोग्राम लेना, कोई डिप्लोमा ले रहे हो या बैचलर्स डिग्री के लिए आ रहे हो या जिस चीज़ के लिए भी, या लेट से ग्रेजुएशन करके आ रहे हो इंडिया से, तो रेलेवेंट प्रोग्राम ही लेना। अगर आप इररेलेवेंट प्रोग्राम लोगे तो वीज़ा के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि रेलेवेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बात करें ऑफर लेटर की तो आप कोई से भी कोर्स में अप्लाई कर लो, अगर आप कोई भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो आपको कॉलेज ऑफर लेटर दे देगा,
ऑल दे केयर अबाउट इज मनी, बट जो इमिग्रेशन है वो आपको वीज़ा नहीं देगी क्योंकि आपका कोर्स रेलेवेंट नहीं है। उसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपका कोर्स थोड़ा बहुत रेलेवेंट है, ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो उस केस में आपने क्या करना। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जब ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपना कोर्स बिल्कुल रेलेवेंट चूज करना है। एक एप्लीकेशन फी मतलब $100 पे करते हो ना, एक कॉलेज में से 3 courses में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने कॉनेस्टो का कॉलेज में 3 programs में अप्लाई किया था एक ही एप्लीकेशन फी पे $100 पे। उनमें से 2 से ऑफर आई थी और मैंने फिर अपना प्रोग्राम चूज किया था आगे। अब हमने बात कर ली ऑफर लेटर की, लेट से आपकी ऑफर लेटर आ जाती है, उसके बाद आपके पास 1 महीने का टाइम होगा अपनी फीस भरने के लिए। अब फीस की बात करें, अगर आप डिप्लोमा लेके आ रहे हो 2 साल का, उसकी एनुअली मतलब 1 साल की फीस वुड बी अराउंड $16,000 टू $20,000, मतलब की आप हिसाब लगा सकते हो 9 lakh rupees से 11,50,000, इतनी आसपास आपकी 1 साल की फीस होगी डिप्लोमा के अंदर। मास्टर्स प्रोग्राम में बात करें कि आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, आपने डिप्लोमा नहीं लेना, यू आर गोइंग फॉर अ मास्टर्स डिग्री, उसकी एवरेज फीस इज अराउंड $23,000 से लेके $30,000 के बीच में पड़ेगी। रुपीस के अंदर बात करें तो 14 से 20 लाख के अंदर आपकी 1 साल की डिग्री होगी मास्टर्स की। अब देख लो 40 लाख अराउंड आपके लग जाएंगे मास्टर्स डिग्री पे। अगर आप बैचलर्स डिग्री पे आ रहे हो तो वही आपकी डिग्री 4 साल की होगी एंड आपकी फीस अप्रोक्सीमेटली 90-95 lakhs लगेगी, डिपेंड्स कि आपको स्कॉलरशिप लगती है कि नहीं। और अगर डिप्लोमा लेके आ रहे हो आपकी अराउंड 24 से 27 lakhs के बीच में आपका डिप्लोमा हो जाएगा 2 साल का। अब लेट से आपने फीस भर लिया, उसके बाद आपके पास आएगा एक डॉक्यूमेंट LOA जो आपका कॉलेज है आपकी यूनिवर्सिटी देगी, विच इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या लेटर ऑफ एडमिशन। जब आपने अपना वीजा फाइल करना है आपकी ऑफर लेटर नहीं लगेगी, आपकी LOA लगेगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जब आप अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करोगे आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो DLI अप्रूव्ड होना चाहिए। DLI बेसिकली होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो DLI अप्रूव्ड है। एंड अगर आपको नहीं पता कि DLI नंबर कैसे देखना है उस इंस्टीट्यूशन का और कैसे सर्च करना है कि वो DLI अप्रूव्ड है कि नहीं, तो मैं आपको अभी एक वेबसाइट पे लेके चलता हूं एंड दिखाता हूं कि आप कैसे देख सकते हो कि वो DLI अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर आपको अपना इंस्टीट्यूट चेक करना है तो ये वाली वो वेबसाइट है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एंड आप चेक कर लेना। तो इस वेबसाइट पे आपने देखना कैसे है, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आए, नीचे जाना, सबसे वहां जाके अपना प्रोविंस सिलेक्ट करना जॉन से में भी आ रहे हो, लेट्स से ऑन्टेरियो के अंदर आप जा रहे हो कॉनेस्ट होगा। अब जो DLI नंबर होता है वो एक इंस्टीट्यूशन का सेम होता है, जैसे कॉनेस्ट होगा के जितने भी कैंपसेस हैं उनका सारा सेम है, ये नंबर होना चाहिए और ये DLI अप्रूव्ड होना चाहिए। और ये सारे उनके जो दूसरे कैंपसेस हैं सारा कुछ लिखा हुआ है डिटेल के अंदर, कॉनेस्टोगा कॉलेज के जितने भी हैं। लेट से अगर आप कोई और प्रोविंस के अंदर आ रहे हो, BC के अंदर कोई कॉलेज में जा रहे हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये ARV कैनेडा कॉलेज है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, और अकाडिया कॉलेज के अंदर जो आएंगे उनको मिलेगा। तो ये सारा डिटेल के अंदर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलेगा, जहाँ पे यस होगा उनको मिलेगा, जहाँ पे नो होगा उनको नहीं मिलेगा। अब जैसे लंगारा कॉलेज अगर उसकी बात करें तो लंगारा कॉलेज के पास भी अपना DLI है और DLI अप्रूव्ड है वो। और अगर KPU की बात करें तो आप देख सकते हो इसके पास भी है, ये कैंपस इसके अंदर है, ये DLI अप्रूव्ड है। तो आप ऐसे देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपकी LOA भी आ गई, अब इसके बाद आपका स्टेप आएगा GIC भरने का। GIC इज नोन एज गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये आपके फंड्स कैनेडियन बैंक के अंदर स्टोर होंगे जो कि आपको मंथली मिलेंगे, सारा आपको वापस ही मिलेगा। जो पहले GIC भरनी होती थी दैट वॉज अराउंड $10,000, मतलब 6 से 6.5 lakh rupees आपको पहले अपनी GIC भरनी होती थी। लेकिन जो न्यू रूल्स आए थे अभी रिसेंटली, उसके अंदर उन्होंने GIC के प्राइजेस बढ़ा दिए। जो आपको भरनी होगी दैट इज $20,635 कैनेडियन, तो अप्रोक्सीमेटली 12.5 से 13 lakh आपकी GIC की फीस होगी जो आपको भरनी होगी। एंड अगर GIC की बात करें तो आपको मंथ टू मंथ बेसिस पे आती रहेगी। फर्स्ट मंथ जब आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट करवा लोगे आपको $4,127 आपके बैंक के अंदर मिलेंगे, वो आपकी GIC में से आएंगे। और जो बाकी की GIC बच जाएगी वो आपको 11 months, उसमें आपको $1,376 हर मंथ 11 months के लिए आते रहेंगे, वो आपके पूरे कर देंगे $20,635। एंड एक टिप रहेगी, इस GIC को हो सके तो बिल्कुल सेव रखना। इनिशियली जब आओगे स्टार्टिंग में 1,000 से 1,500 GIC यूज होगी, क्योंकि आपने अपनी जैकेट लेनी होगी, स्नो शूज लेने होंगे, रेंट देना होगा, बेसिक ग्रोसरीज लेनी होंगी, स्टार्टिंग में इनिशियली खर्चे होते हैं, बट कोशिश करना इसको बचाने की। GIC को एज अ बैकअप
अप रखना अपने जो नेक्स्ट ईयर की आपने फीस भरनी है उसके लिए। स्टार्टिंग में आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे एकदम। सिक्स मंथ की अगर आपने GIC अपनी सेव कर ली, आपकी फीस निकल जाएगी नेक्स्ट ईयर की। तो मेक श्योर कि आप उन पैसों को सेव करना, बिल्कुल भी मत यूज करना। अपने जो एक्सपेंसेस है उनको मिनिमम रखना। फोन की जरूरत नहीं है तो मत लेना, कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है तो मत लेना, किसी भी चीज फालतू चीज की जरूरत नहीं है मत लेना। जो ये GIC है ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रूफ करेगा कैनेडियन गवर्नमेंट को। तो आपको जब आप अपनी GIC सबमिट करा दोगे आपको एक GIC सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको चाहिए होगा अपनी फाइलिंग के वक्त जब आपने अप्लाई करना है। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स, ITR जो है वो आपके फादर और मदर की लास्ट 2 से 3 ईयर्स की लगेंगी। अगर आपने भी अपना ITR भरा हुआ है इंडिया में तो आप अपनी भी ITR निकलवा के इनकम टैक्स रिटर्न निकालने के लिए कोई भी आपको फीस नहीं लगती है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ गवर्नमेंट की, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो PDF एंड उसको यूज कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो वो लास्ट 1 से 2 साल की आपको चाहिए होगी, जिसके अंदर आपकी सारी बैंक की ट्रांजैक्शन जाएंगी, सारा कुछ आपके फादर आपके मदर आप उनकी दोनों की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, वो भी लास्ट से 1 से 2 साल के बीच की। ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेजर रोल प्ले करेंगे आपके फाइनेंशियल फंड्स को प्रूफ करने में। उसके अलावा आप एडिशनली जो ऐड कर सकते हो अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो एक तो प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन के अंदर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इंडिया के अंदर आप उनको इवैल्यूएट करा सकते हो। मतलब लेट से आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसका साइज है 250 स्क्वायर यार्ड, तो वो जो प्रॉपर्टी इवैल्यूएटर होते हैं वो उस प्रॉपर्टी को आपकी रजिस्ट्री देख के इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद उसका जो मार्केट का प्राइस होगा वो लिख के देंगे एंड ऑफिशियल स्टैंप लगा के देंगे। लेकिन सिर्फ उन्हीं से बनवाना जो रजिस्टर्ड है। अगर प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 से 4,000 के बीच में पर प्रॉपर्टी आपकी एक इवैल्यूएशन बनेगी एक अच्छे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी इवैल्यूएटर से। और उसके अलावा आप एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। वो एक बेसिकली टेबुलर फॉर्म के अंदर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो लिस्ट हो जाएंगी, कि फैमिली के पास जितने भी लिक्विड एसेट्स हैं, कैश इन हैंड है, गोल्ड है, वो सारा कुछ नेटवर्थ सर्टिफिकेट के अंदर लिस्ट हो जाएगा एंड एक एंड के अंदर अमाउंट आ जाएगी टोटल करके, वो भी एक रजिस्टर्ड CA ही बना के देगा। उसकी कॉस्ट की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से 7,000 के बीच में आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी फाइलिंग के अंदर वो है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आपकी SOP बहुत अच्छे से डिफाइंड है ना, आपने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल के अंदर और उसको क्रिस्प रखा हुआ है बिल्कुल टू द पॉइंट। SOP इज वन थिंग जिसके थ्रू जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो इंटरेक्ट करेंगे आपके साथ एंड उनको आपके बारे में थोड़ा डिटेल में पता लगेगा सारा कुछ। अब SOP की बात करें, मैंने उसके रिलेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे लिखते हैं SOP, कैसे की होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले बात करी थी कि अपना कोर्स बिल्कुल रेलेवेंट लेके आना। लेट्स से आपका कोर्स थोड़ा सा रेलेवेंट है, ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, कुछ कुछ आपके कोर्स के अंदर सब्जेक्ट्स हैं जो मैच कर रहे हैं लेकिन पूरा कोर्स मैच नहीं कर रहा। आपकी जो SOP है ना, दैट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट। आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना होगा कि मैं ये कोर्स क्यों लेके आ रहा हूँ, मैंने 12th में ये स्टडी करी थी, इसकी रेलेवेंसी आपको प्रूफ करनी पड़ेगी SOP के थ्रू सारा कुछ डिटेल के अंदर। उसके अलावा आपको फोटोग्राफ चाहिए होंगी, जो साइज डायमेंशन है दैट इज 35x45 और 80% फेस। कहीं भी स्टूडियो के ऊपर जाओगे उनको जाके बोल देना कि मेरे को कैनेडियन स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है, उसके लिए फोटोग्राफ खींच दो। उनको पता होती है डायमेंशन, हर एक कंट्री का अपनी अपनी डायमेंशन होती है, US की डिफरेंट है, कनाडा की डिफरेंट है। अब जो न्यू डॉक्यूमेंट आया दैट इज अटेस्टेशन लेटर। अब जो मेन इनटेक में या आने वाले इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, उनको ये अटेस्टेशन लेटर लेना होगा। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक लेटर देगी, आपने उनको बताना है कि मैं इस प्रोविंस में आना चाहता हूँ। अभी उसका प्रोसीजर नहीं आया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, अभी ऑफिशियली नहीं आया। जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक टाइम फ्रेम दिया विच इज March 31st, 2024। उससे पहले सारे प्रोविंसेस को अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करना होगा या फिर सारा प्रोसीजर डेवलप करना होगा जिसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को अटेस्टेशन लेटर देंगे। जैसे क्यूबेक के अंदर था कि आपको पहले क्यूबेक की गवर्नमेंट से एक लेटर लेनी पड़ती थी कि आप उनके प्रोविंस में आना चाहते हो, वो लेटर आपको मिलता था, वो आप अपनी फाइलिंग में अटैच करते थे। वैसे ये डॉक्यूमेंट कोई भी प्रोविंस में स्टूडेंट आ रहा है उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया, तो आपको अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा। अभी कोई प्रोविंस का रेडी नहीं हुआ है, क्यूबेक ही सिर्फ देता है, बाकी प्रोविंसेस रेडी कर रहे हैं। तो जैसे उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आएगी मैं अपने चैनल के ऊपर डालूंगा डिटेल के अंदर कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले अपने जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रेडी कर लो। जो अटेस्टेशन लेटर है वो किन किन स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए होगी, मतलब किन किन के लिए मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या PhD के लिए आ रहे हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि मेडिसिन लॉ, उन स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए होगा बिल्कुल। ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं
और जिन्होंने अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करना है उनको भी नहीं अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपको अपना मेडिकल बुक करवाना पड़ेगा। अगर तो आप अपने एजेंट के थ्रू करवा रहे हो वो आपका मेडिकल बुक करके देंगे, अगर नहीं करवा रहे हो आप खुद भी बुक कर सकते हो। मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ ऑफिशियल गवर्नमेंट की, जिसके अंदर सारे आपकी कंट्री वाइज और आपकी सिटी वाइज सारे ऑफिशियल क्लिनिक्स दिए हुए हैं कि कौन कौन सी सिटी में कहाँ पे है, उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो वो दिखा देता हूँ। जो मेडिकल टेस्ट सेंटर है वो कौन सी लोकेशन पे, आपके नियरेस्ट कौन सा है और कौन सा अप्रूव्ड है कैनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले जाके अपनी कंट्री चूज करो, विच इज इंडिया। वो चूज करने के बाद ये दबाओ गो। उसके बाद अल्फाबेटिकली सारे आ जाएंगे ए बी। अब मैं लुधियाना से हूँ तो ये देखो ये लुधियाना के शुरू हो गए। यूएस सिद्धू है नेम, उपदेश सिंह सिद्धू क्लिनिक सराबा नगर में है। इसका टेलीफोन नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप कौन सी भी सिटी से आ रहे हो आपको सारी डिटेल के अंदर मिलेगी, मुंबई के अंदर कौन से हैं, न्यू दिल्ली के अंदर कौन से हैं, यहाँ यहाँ पे है मैक्स सुपर स्पेशलिटी सेंटर के अंदर, ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सारा कुछ डिटेल के अंदर। तो पूरे इंडिया की जितनी भी लिस्ट है आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दी हुई है। अब आपने अपना मेडिकल अप्लाई कर दिया। मेडिकल की फीस की बात करें तो आपका मेडिकल 4800 रुपीज से 7000 रुपीज में हो जाएगा, और कुछ भी घबराने की बात नहीं है, बेसिक होता है। अगर आपने टैटू बनवाया हुआ है तो उसकी एडिशनल कॉस्ट होती है 1000 से 1500 रुपीज की। उसका एक और टेस्ट करते हैं, वो ब्लड टेस्ट। अगर आपके एक्स लगे हुए हैं तो आपको लेके जानी होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, चेस्ट का एक्सरे होता है, सारी रिपोर्ट्स हैं। ये मेडिकल सेंटर जिससे आप करवाओगे वो डायरेक्ट इमिग्रेशन को भेजता है आपको, और आपको एक ट्रैकिंग शीट दे देता है जिसको मेडिकल ट्रैकिंग शीट बोलते हैं। तो अब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, दूसरा आइल्स का टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, आपकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आपका जीआईसी सर्टिफिकेट, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपकी प्रॉपर्टी इवैल्यूएशंस, आपकी सीए की नेटवर्थ सर्टिफिकेट, आपका अटेस्टेशन लेटर, आपकी एसओपी, आपकी मेडिकल ट्रैकिंग शीट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके प्रिपेयर हो जाएंगे फिर आप लॉज कर दोगे फाइल को। तो अभी एज ऑफ नाउ $150 है कैनेडियन एम्बेसी फी जो आपको भरनी होती है अपने स्टूडेंट वीजा के लिए। एंड बायोमेट्रिक्स होते हैं आपके जो कि 10 इयर्स के लिए वैलिड होते हैं, के लिए आपको $85 भरने होते हैं। तो ये दोनों आप जब फीस भर दोगे उसके बाद आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आएगी, आपकी डेट मिलेगी आपको बायोमेट्रिक की कि आपने इस डेट को देना है, आपने बुक करनी होती है वो डेट। तो अराउंड 25 लाख रुपीज आपको लगेंगे अगर आप आ रहे हो डिप्लोमा कोर्सेज के ऊपर 2 साल के, ये आपकी फीस लगेगी यहाँ पे सारा प्रोसेस मिला के। एंड अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो या कोई बैचलर्स डिग्री के लिए तो अप्रोक्सीमेटली 30 से 34 लाख के बीच में आपकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 1 साल के लिए। एंड आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से। एंड मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाके कर दो, मेरे को उस चीज़ से बहुत सपोर्ट मिलेगी। एंड वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, एंड फ्यूचर के अंदर जिस चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए उसके बारे में भी बताना। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।